ह्यूमन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले जानिए कि ह्यूमन जो होता है वह सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड वीवीपैरस का मतलब क्या होता है? वीवीपैरस उसे कहा जाता है जो अपने बॉम्ब में बच्चे को रखकर जन्म देती है, उसको कहते हैं वीवीपैरस। तो ह्यूमन कैसा है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड वीवीपैरस। यह जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है, ठीक है, जो भी रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं उसका एक प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्टिव इवेंट का एक प्रोसेस होता है, जिसमें सबसे पहला फोरेसिस जो होता है उसे कहते हैं गैमिटोजिनेसिस। क्या कहते हैं? गैमिटोजिनेसिस। सबसे पहला काम यही होता है। गैमिटोजिनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होता है। किस चीज का फॉर्मेशन होता है? द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पर्म का जो है वह फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ स्पर्म और फॉर्मेशन ऑफ ओभम का। अ स्पर्म जो है वह मेल में, अब फीमेल में क्या है? ओभम है। मतलब गैमिटोजिनेसिस किसे कहेंगे? फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। क्या कहलाएगा? फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, गैमिट का फॉर्मेशन होना, जिसमें कि सबसे पहले आता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म मेल में, और जो दूसरा है वो फॉर्मेशन ऑफ ओवम वह कहां है? तो फीमेल में है। पहला प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के बाद होता है इनसेमिनेशन। इनसेमिनेशन, तो इनसेमिनेशन क्या होता है? इनसेमिनेशन का मतलब होता है स्पर्म इंटर इंटू फीमेल गैमेट, फीमेल जेनाइटल ट्रैक, इसे कहते हैं इनसेमिनेशन। दूसरा प्रोसेस हो गया, मतलब स्पर्म जो है फीमेल के बॉडी में इंटर किया। तीसरा प्रोसेस जो है उसका नाम है फर्टिलाइजेशन। क्या प्रोसेस है? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मेल एंड फीमेल गैमेट्स लीड टू फॉर्म जायगोट। क्या नाम है? जायगोट। या तीसरा प्रोसेस जो कौन है वो फर्टिलाइजेशन है। जो चौथा प्रोसेस है उसका नाम है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन प्रोसेस क्या कहता है? इम्प्लांटेशन प्रोसेस की अगर बात किया जाए तो इम्प्लांटेशन उसे कहते हैं कि फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट अटैच टू यूट्रीन वॉल, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या हो गया? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट होगा ब्लास्टोसिस्ट का, जो कि कहां होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगा। यहां पर ब्लास्टोसिस आ जाकर के जो कि फेलोपियन ट्यूब से होते हुए जाएगा और यूट्रीन वाल में जाकर के अटैच हो जाएगा। जैसे कि जो यूट्रीन होता है इसमें जाकर के इस तरह से जो है जाकर के अटैच हो जाता है, ठीक है, इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद जो पांचवा प्रोसेस है वह होता है गैस्टेटेशन। क्या नाम है? गैस्टेटेशन। गैस्टेटेशन का मतलब क्या होता है? गैस्टेटेशन का मतलब होता है इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है उसी को कहते हैं क्या है? गैस्टेटेशन। एंड लास्ट में जो होता है वह उसे कहते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन कहते हैं। अब पार्चुरेशन में क्या होता है? तो पार्चुरेशन का मतलब यह होता है कि डिलीवरी बेबी, ठीक है, यह हो गया इसका प्रोसेस। रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्टेटेशन एंड पार्चुरेशन। इतना छह प्रोसेस के आधार पे ही जो होता है लास्ट में क्या हो जाता है? डिलीवरी ऑफ बेबी। यहां पर यह फॉर्मेशन तुम्हारा हो गया, इवेंट हो गया, जो भी रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है। लेकिन यह सब होगा कब? यह सब जो प्रोसेस है वह कब होगा? यह प्रोसेस जो है आफ्टर, यह सब जितना भी प्रोसेस है आफ्टर प्यूबर्टी। कब होगा? तो याद रखिएगा, आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी दोनों में अलग अलग होता है, एक मेल और एक फीमेल। अगर मेल की बात करें तो वह फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फीमेल की बात करें तो ओभम। यह जो स्पर्म होता है कंटिन्यू रहता है टिल ओल्ड एज, लेकिन ओभम जो होता है ओभम का क्रीजिस होने लगता है इन अबाउट 50 ईयर, 50 साल तक जो है इसका ड्यूरेशन होता है। ओविडक्ट को ही हम लोग कहते हैं फेलोपियन ट्यूब कहेंगे। उसके बाद जो तीसरा आता है उसका नाम है यूट्रस, जो चौथा आता है उसका नाम है सर्विक्स, जो पांचवा आता है उसका नाम है वेजाइना, फिर आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, कहां पे? इन पेल्विक रीजन, फिर आता है मेमरी ग्लैंड। इसमें से ये ध्यान रखिएगा कि पेयर ऑफ ओवरी, पेयर ऑफ ओविडक्ट, ये पेयर में होगा, मतलब दोनों साइड होगा। अभी फिगर बना के बता रहे हैं, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड पेल्विक रीजन में और मेमरी ग्लैंड। इसमें से पेयर ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेजाइना या तीनों का तीनों एसेसरी ग्लैंड कहलाता है। क्या कहलाता है? एसेसरी ग्लैंड कहलाता है, ठीक। सबसे पहले
जानेंगे ओवरी के बारे में, ठीक है। ये इतना सारा इसमें फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले जो है जानकारी किसका लेंगे, पेयर ओवरी का। तो जो सबसे पहले फिगर जो है वो समझिए, देखिए फिगर कुछ ऐसा होगा, कुछ इस तरह से देखने को आपको मिलेगा। यहां पर जो है ये फिगर कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये फिगर में ये जो सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज ओवरी, इधर भी है इधर भी है, तो इसलिए पेयर ओवरी। ओविडक्ट कहते हैं इसको, इसे क्या कहा जाता है, ओविडक्ट। तो इधर भी है और इधर भी है, पेयर में हो गया, पेयर ऑफ पेयर ऑफ ओविडक्ट हो गया, ओविडक्ट। इसी को कहते हैं क्या है, फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। फिर आता है यूट्रस, यूट्रस जो होता है ये वाला पार्ट को यूट्रस कहा जाता है, जिसमें कि इसे कहा जाता है यूट्रस, यूट्रस फंडस कहा जाता है। और ये वाला जो पार्ट हुआ यूट्रीन कैविटी कहेंगे, यूट्रीन कैविटी कहेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट तुम्हारा ओवरी हो गया, ओविडक, यूट्रस हो गया, ओवरी हो गया, ओविडक, यूट्रस हो गया। अब बचा कौन है, तो सर्विक्स, सर्विक्स समझते हैं, सर्विक्स वाला पार्ट ये हो गया सर्विक्स। फिर कौन है, वेजाइना, वेजाइना वाला पार्ट ये हो गया वेजाइना। और एक पार्ट ये जो सर्विक्स के थ्रू ही है, तो सर्वाइकल केनाल, सर्वाइकल केनाल इसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां क्या पढ़ना, पेयर ओवरी के बारे में। तो ओवरी के बारे में जानिए क्या है ओवरी, ठीक है। यही जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यही क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। पहला पॉइंट ये याद रखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यही है। दूसरा पार्ट, पार्ट ये होता है हार्मोन जो इसमें रिलीज करता है, यही रिलीज करता है। साथ ही साथ ओवरी जो है यह दोनों साइड से अटैच है, तो अटैच जो हुआ है वो किसके थ्रू अटैच होता है, उसका नाम है लीगामेंट। क्या नाम है उस चीज का, लीगामेंट नाम है। ओवरी तो अटैच हुआ है ना दोनों साइड से, उसको क्या कहते हैं, लीगामेंट। और इसका जो लेंथ, इसका जो लेंथ होता है 2 से 4 सेंटीमीटर का लेंथ होता है। लेंथ कितना हो गया, 2 से 4 सेंटीमीटर। हमने कहा कि पेयर ओवरी, हमने कहा पेयर ओवरी में, हमने कहा कि पेयर पेयर ओवरी, तो ओवरी में आ गए। ओवरी जो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, यह स्टेरॉयडल हार्मोन भी रिलीज करता है, यह जो है लिगामेंट से दोनों साइड से अटैच होता है, इसका लेंथ जो है 2 से 4 सेंटीमीटर का होता है। और जो ओवरी होता है, जो ओवरी यहाँ होता है, जो ओवरी होता है वो याद रखिएगा थोड़ा सा, कि ये वाला ओवरी के ऊपर में, ओवरी के ऊपर में, ओवरी के ऊपर में एक, इसे कहा जाता है इपीथीलियम। इपीथीलियम का क्या होता है, कवर्ड होता है। और यहां पर पेरिफेरल, बाहर में जो होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और अंदर के साइड को कहते हैं इनर साइड को मेडुला, मेडुला कहा जाता है। ओवरी के पार्ट में बाहर वाला को पेरिफेरल कॉर्टेक्स और अंदर वाला पार्ट को इनर मेडुला कहेंगे। ओवरी के बारे में इतना ही जानना है। उसके बाद ओवरी के बारे में हमने पहले ही बताया था कि ओवरी जो होता है क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, एस्ट्रोडल हार्मोन रिलीज करता है, या साथ ही साथ दो पार्ट है, या इनर मेडुला और पेरिफेरल कॉर्टेक्स होता है, एपिथेलियम कवर्ड इसके लेयर होता है, थिन भी, थिन लेयर होता है। कैसा लेयर है, तो थिन लेयर है, थिन लेयर है, लेयर भी है तो कैसा है, थिन लेयर है, थिन लेयर है, एपिथेलियम का कवर्ड होता है। यहां पे हमने पढ़ लिया पेयर ओवरी, अब आता है पेयर ओविडक्ट। ओविडक्ट को क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का फिगर कौन होगा, ये वाला फिगर, ये दोनों साइड का फिगर जो हो गया फेलोपियन ट्यूब। देखिए समझिए, दूसरा जो पार्ट हम लोग को पढ़ना है दैट इज कॉल्ड एज ओविडक्ट। ओविडक्ट का ही दूसरा नाम क्या है, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब इसी को कहते हैं। पहले देखिए फिगर में क्या हम लोग बनाए थे, ये इस तरह से बनता है, यह ऐसा कुछ, कुछ ऐसा ही रफ डायग्राम यहां से ये बना देते हैं। देखो हुआ क्या, यहां पे हमने ओवरी लगा के रखा था, रफ डायग्राम है, लेकिन यहां पर देखिए ये तुम्हारा कौन सा पार्ट हो गया, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब जो है यह इसका जो 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है, यह कितना सेंटीमीटर का होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर का इसका जो लेंथ होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है, ठीक। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट है कि यह जो है इसका जो नाम होता है वह है फिम्बरी। क्या नाम है इसका, फिम्बरी। और यहां से स्टार्ट होता है इनफंडिबुलम, उसके बाद इनफंडिबुलम के बाद आता है एम्बुला, और एक पार्ट है क्या नाम है, आइस्थमस। इनफंडिबुलम, एम्बुला और आइस्थमस, ये 3 पार्ट इसका है। एम्बुला जो होता है ये वाला पार्ट जो है वह वाइड होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, और आइस्थमस जो पार्ट होता है थोड़ा सा नैरो होता है। ये पार्ट भी याद रखें, कौन सा हो गया, एम्बुला जो हो गया थोड़ा सा वाइड होता है। होता क्या है, यहां ये ओवरी है, ओवरी अटैच है इसके साथ, हम पहले बताए थे लिगामेंट के थ्रू अटैच होता है। यहां पर याद रखिएगा कि यहां से ओवरी से जो ओभम निकलेगा, ओभम निकलेगा जो फिम्बरी जो होता है कलेक्ट करता है, अब फिम्बरी यहां से कलेक्ट करने के बाद या प्रोसीड करता है जो हम पढ़ेंगे ओवल्यूशन में। लेकिन यहां समझ लीजिए सिर्फ इतना कि फिम्बरी का जो फंक्शन है वह क्या करता है, कलेक्ट करता है, किस चीज को कलेक्ट करता है, तो यह कलेक्ट करता है किस चीज को, तो ओभम को, आफ्टर ओवल्यूशन।
ओवल्यूशन जब हो जाएगा उसके बाद फिर रिलीज करता है ओवम को, आया जो होता है फिम्बरी अटैच करके इन्फनबुलम के पास, फिर एम्बुला के पास, फिर आइस्टमस के पास प्रोसीड करता है, उसके बाद यूट्रस में आता है। ठीक है, इतनी है ओविडक्ट में, ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब में इतना ही जानना है। लेकिन जब तीसरा जो हम लोग को पढ़ना था उसका नाम क्या था, तीसरा जो पढ़ना है उसका नाम है यूट्रस। हमने दो चीज पढ़ लिया, पेयर ओवरी के बारे में भी पढ़ लिया, पेयर लोग पढ़ रहे थे उसका नाम था यूट्रस। यूट्रस थोड़ा डिटेल में देखिए, देखिए पहले फिगर बना लेते हैं। कुछ इस तरह से देखिए, अब जो ये जो फिगर है इसमें हमने कहा था क्या, ये वाला जो पार्ट है ये किसको क्या कहते हैं, यूट्रस। इसको इसके बारे में याद रखिएगा कि यूट्रस जो होता है इसका जो शेप होता है इन्वर्टेड पियर की तरह होता है, और यूट्रस को ही हम लोग कहते हैं बॉम। और यह भी क्या है, लिगामेंट के थ्रू पेल्विक रीजन से अटैच होता है। ठीक है, किससे सपोर्ट होता है, तो सपोर्ट याद रखिएगा लिगामेंट के थ्रू ही पेल्विक रीजन से अटैच होगा, अटैच देखने को मिलेगा। ठीक, सपोर्ट होता है लिगामेंट पेल्विक रीजन से अटैच होता है। यहां जो इन्वर्टेड पियर है बॉम है सपोर्टेड बाय द लिगामेंट हो गया। लेकिन यूट्रस जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें तीन लेयर होते हैं। कितना लेयर, तीन है, सबसे अंदर वाला लेयर, फिर मिडिल होता है, फिर बाहरी होता है। तो अंदर वाला जो लेयर होता है उसे कहते हैं क्या है, तो इंडोमैट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडोमैट्रियम कहते हैं। बीच वाला लेयर को क्या कहते हैं, मायोमैट्रियम कहते हैं। अब बाहर वाला लेयर को कहते हैं पेरीमाइट्रियम कहते हैं। तीनों का अलग अलग फंक्शन है। जो इंडोमैट्रियम है वह क्या करता है, इनर लेयर है। इसका काम क्या है, ये तो इंडोमैट्रियम के बारे में जानिए कि इंडोमैट्रियम जो होता है वह जब भी मेंचुअल साइकिल के टाइम पे इसका जो लेयर होता है वह चेंज होते रहता है। ठीक, इसका जो लेयर होता है वह चेंज होता रहता है इंडोमैट्रियम में। ठीक है, कैसा है, मिडिल लेयर है, और ये जो है बाहर वाला लेयर है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल। तो मायोमैट्रियम का क्या काम है, तो मायोमैट्रियम जो होता है वह क्या काम करता है, तो वह अ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एट टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, और ये सबसे थिक मसल जो पार्ट होंगे उसमें क्या क्या पढ़ना होगा हमको, पेयर ओविडक्ट, यूट्रस तक हो गया। अब आता है सर्विक्स एंड वेजाइना है, तो चौथा में सबसे पहले पढ़ेंगे सर्विक्स क्या होता है। तो सर्विक्स जो होता है एक तरह का क्या है, यह जो है कैनल है, सर्विक्स कैनल के बारे में यहाँ पर हम लोग ने पढ़ लिया था। सर्विक्स कैनल क्या होता है, तो यह एक तरह का क्या, नैरो सर्विक्स यहाँ से होता है। अब वेजाइना फिर आता है, वेजाइना को ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वर्थ केनाल कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा सर्विक्स केनाल जो कि नैरो है, और फिर जो होता है वेजाइना जो है क्या है, तो यहाँ से जो होता है वर्थ केनाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे वर्थ केनाल कहा गया है। ठीक, अब पचमा में जो है वह एक्सटर्नल जेनेटेलिया इन पेल्विक रीजन, अ मेमरी ग्लैंड नेक्स्ट में होगा। ठीक, थैंक यू।